और देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं लुधियाना शहर के जो बीजेपी का दफ्तर है, देखिए सामने। हाल ही में अरुणीत बिट्टू जो एमपी थे कांग्रेस के, वो अपना छोड़ के पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाई पहले दिन उनका स्वागत किया है यहाँ पर दफ्तर में, तो 3 बजे मीटिंग रखी गई है। हम जो मीडिया वाले होते हैं, प्रेस वाले, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम तो वहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों को पता ही है क्या बात होती है। प्रेस वालों को सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती, प्रेस वालों को हर चीज़ पता होती है। वो क्या कहेंगे हमें मालूम है, क्यों पार्टी छोड़ के इधर आए हैं तब भी मालूम है, आगे होगा क्या यह भी मालूम है। तो जो प्रेस वाले होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो इधर उधर लोगों से मिलकर, लोगों के विचार लेकर, अपनी सोच से खबरें लिखते हैं, खबरें बनाते हैं। और जो लोग सुनकर आपको दिखा देते हैं वो पत्रकार का है कि यार पत्रकार तो वो होता है जो खबर में से खबर निकाल ले और चेहरा देख के पहचान ले। तो चलो हम जहाँ आए थे तो चलते हैं, 3 बजे लोग यहाँ पर आएंगे, मीडिया वाले, प्रेस वाले। हम तो भैया चलते फिरते लोग हैं, जहाँ रुक जाते हैं भाई हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। जिन लोगों से हम मिलते हैं भाई, हमको MLA और MP लगते हैं, जो MLA और MP को वोट देकर जिताते हैं, उनको विनर बनाते हैं, क्योंकि आप भी MLA हैं, जो आप वोट डालते हैं जिसको जिताएंगे वही जीतेगा। तो यहाँ आए थे, हमने देखा, बाकी मान सम्मान जो करते हैं जो लोग, जो प्रेस वाले होते हैं, जो दूसरे होते हैं भैया, उन्हीं को जो बुलाते हैं, उन्हीं का जिनका नंबर लिखा होता है, इनकी लिस्ट बनी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। भैया हमको तो कोई बुलाता नहीं है, लेकिन हम बाहर से देखकर अंदाज़ा लगा कर चले जाते हैं। हम फिर हम चले हैं यहाँ से, लोगों से पूछते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा।